नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बदनावर विधानसभा क्षेत्र की धार जनपद पंचायत की 27 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में जिला पंचायत सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें पीएचई, आरईए, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री सड़क विकास, राजस्व सहित कई विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में पीएचई विभाग की लापरवाही सामने आई, आरईएस विभाग के कई काम लंबे समय से अधूरे पड़े होने की शिकायत भी मिली, तीसगांव अस्पताल में महिला चिकित्सक का पद रिक्त होने की जानकारी मिली। समीक्षा बैठक में विधायक शेखावत ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को जनता अपनी समस्या बताती है, उन समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में लाकर उनका उत्तर लेने का के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। हमने समीक्षा बैठक की शुरुआत की है, प्रत्येक 3 माह में यह बैठक आयोजित होगी। 27 ग्राम पंचायत को लेकर यह बैठक आयोजित की गई है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। सर, एक रोड खेरों से लेके रामपुर तक के लिए भी है। कई बार लोकल दबाव रहते हैं अपने ही लोगों का। देखिए, ये जो अतिक्रमण होता है, ये अतिक्रमण नहीं से लोकल लोग का होता है। किसी प्रतिष्ठित प्रभावशाली आदमी ने वहाँ कब्जा कर रखा है या कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है, तो उससे मुक्त कराने की जवाबदारी हमारी भी है। हम अकेले सरकार के सरकारी अधिकारियों को निलंबित उससे रहेंगे। जनता हमें, जनपद सदस्यों को, जिला पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं सबको अपनी अपनी समस्याएँ बताती हैं, और उन समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में लाना और अधिकारियों से उस पर उनके उत्तर लेने के लिए बैठक का हम आयोजन करते हैं। हमने ये प्रैक्टिस शुरू की है और हर 3 महीने में हम इन समस्याओं को लेकर के ये धार पंचायत की, जो हमारी धार जनपद की जो 27 पंचायतें हैं, उनके अधिकारियों को लेकर के आज हमने समीक्षा बैठक की है और सारी चर्चाएँ की है। विकास की जो काम चल रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेटस क्या है उसका पता लगाया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है उस पर चर्चा हुई है। MPEB की है, PHE की है, और ये जो RES के जो बड़े बड़े विभाग हैं और जहाँ पे जनता को समस्या है उन पे आज हमने चर्चाएँ की है। चर्चा का दौर चल रहा है। मंत्री जी के कार्यकाल की आपने जब सभी कार्यकाल की चर्चा की है, भाई समस्याएं जो सामने हैं वो उनके जो कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाई या अधूरी रह गई, उन पर भी हमने अधिकारियों से कहा है कि उसको आप तो पूरा करें उसको। भाई कार्यकाल तो जब उनका समाप्त हो गया तो उसकी चर्चा तो हो ही नहीं है। जो अधूरे कार्य हैं उस पर अधिकारी लोग तेज़ी से काम करें, और भाई आखिरकार हमको जनता को जवाब देना है। जनता ही हमारी नियंता है और इसलिए अधिकारी भी जनता के प्रति जवाब दे हैं और जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो भी जनता के प्रति जवाब दे हैं, और उसकी समीक्षा हमने हर 3 महीने में एक बार होना चाहिए उसकी प्रथा हमने डाली है।